हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर दुश्रुमीज किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एकादशी स्पेशल की एक और डिश शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले साबूदाना की रेसिपी भी शेयर की थी और आज मैं फिर से एक और डिश आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो डिश है वो है आलू की सब्जी। आप प्लेन आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, साथ ही उनकी क्वांटिटीज़ भी, आप वहाँ से चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप रिफाइंड ऑयल या सरसों तेल कुछ भी यूज़ ना करते हो तो आप घी का यूज़ कर लें। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी, इसको बहुत लोग काला जीरा के नाम से भी जानते हैं। ये अच्छे से चटकने लग गए हैं। अब मैं यहाँ पे मिर्चियाँ ऐड कर दूँगी। मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और प्लेन रेसिपी है, तो मैं यहाँ पे मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ। कलौंजी और मिर्ची दोनों अच्छे से भुन चुके हैं। मैं यहाँ पे कटे हुए आलू डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने चिप्सौना आलू का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने आलू को बॉयल नहीं किया है, कच्चे आलू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और आलू है जो उबलने में थोड़ा टाइम लेते हो तो आप उन्हें एक बार पहले ही एक से दो सीटी लगा लें। अब मेरे को आलू को अच्छे से फ्राई करना है। नॉर्मली आप जैसे भी सब्जी में आलू को फ्राई करते हैं उस हिसाब से आप सब्जी को फ्राई कर लें। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है क्योंकि व्रत के लिए है, तो आप सेंधा नमक का ही यूज़ करें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर और पकने दूंगी। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है। पानी में बॉयल आने तक इसको मैं ढक दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। मैंने ढक्कन को खोल लिया है, पानी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। इसका मतलब है कि आलू की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है, तो मैं इसे बिना ढके 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाए। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो सब्जी का पानी है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, साथ ही जो आलू है वो भी बहुत अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी मेरी ये एकादशी स्पेशल रेसिपी? अगर आप कभी भी फास्ट रखते हैं और आपको कुछ भी टेस्टी सा खाने का मन करता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, बन जाती है बहुत जल्दी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। होप यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मिष्टी दुष्टुमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे साथ हर वीडियोस का मज़ा उठा सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हम आगे और भी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।